नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। कारगिल विजय दिवस पर फुसरो बाजार के भुवनेश्वर पेट्रोल पंप के समीप से भाजयुमो प्रदेश कमेटी के निर्देश पर बोकारो जिलाध्यक्ष विनोद कुमार के नेतृत्व में गुरुवार की शाम को मशाल जुलूस निकाला गया, जो फुसरो बाजार बैंक मोड़ फुसरो शहीद निर्मल महतो चौक होते हुए बेरमो प्रखंड कार्यालय स्थित शहीद स्मारक स्थल पहुंचा। इस दौरान जुलूस में शामिल लोगों ने भारत माता की जय, वीर शहीद अमर रहे, वंदे मातरम। इसके पश्चात लोगों ने कारगिल के शहीदों को स्मारक स्थल पर पुष्प चढ़ाकर और दीप जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। भाजपा जिलाध्यक्ष जयदेव राय ने कहा कि देश के जवानों ने कुर्बानियां दी तो कारगिल की लड़ाई में जीत हासिल हुई। कई प्रदेश के जवानों ने भी इस जंग में बलिदान दिया। सुमित सिंह ने देश के अमर सपूतों को याद करते हुए कहा कि हमें शहीदों की शहादत को याद करते हुए देश के लिए सम्मिलित होकर अपने क्षेत्र में राष्ट्र हित के कार्य करते रहना चाहिए, जिससे हमारा देश एक सशक्त शक्ति के रूप में विश्व जगत को मार्गदर्शन देता रहे। देश के जो शहीद सैनिक है और जो पूर्व सैनिक है, उन सभी सैनिकों को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सम्मानित करते हैं। और आज कारगिल का विजय दिवस भी है, जिसमें पूरे देश में उन शहीदों को नम आंखों से पूरा देश और साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित कर रहे हैं। और उनको आज एक मशाल जुलूस के माध्यम से हम उनको याद करने का काम कर रहे हैं। और चूंकि शहीद स्मारक है, तो इस नाते हम लोग भी एक प्रतीकात्मक जो है उनको श्रद्धांजलि अर्पित किया। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा फुसरो के इस धरती पर आज हम लोग शहीदों के सम्मान में और कारगिल में शहीद हुए ऐसे सम्मान शहीदों के लिए हम लोग आज मशाल जुलूस के माध्यम से उनको श्रद्धांजलि अर्पित किए। वी टाइम न्यूज के लिए बेरमो झारखंड से प्रदीप कुमार की रिपोर्ट।